देख सकते हैं और एक करगिल स्मारक का यहाँ पर निर्माण कराया गया है। हा? आप सेना से रिटायर्ड हैं, आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच रहे? हम ये सोचेंगे कि हमारे देश की सुरक्षा सबसे पहले हम देखेंगे, जो देश की रक्षा की सुरक्षा की बात करेगा उसी को हम वोट करेंगे। आपको बालाकोट पर गर्व हुआ था? हाँ गर्व हुआ था बिल्कुल। हम ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो देश के प्रति, जो आतंक को अभक्षम करने वाले हों और अपने देश की तरक्की पर चलाने वाले, देश को जो है ना उन्नति पर लाने वाला नेता हो। ऐसा एक नेता चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, अपने देश में जो ये उग्रवाद हो रहा है इसको कंट्रोल करे और हर तरह से देश का डेवलपमेंट हो। क्या करते हैं? हम तो स्टडी करते हैं और बिजनेस करते हैं अपना। पढ़ाई और बिजनेस दोनों? नौकरी मिल जाएगी यहाँ? नौकरी कहाँ मिलती है, नौकरी तो मिलती ही नहीं है बिल्कुल भी। नौकरी का फंडा ऐसा चल रहा है। आप रोजगार मुद्दा है? जी नहीं मैम। नहीं है रोजगार मुद्दा? नहीं जी। रोजगार के मुद्दे पे आप किसी और को वोट देंगे? जी नहीं मैम, ओनली मोदी। चाहे रोजगार हो चाहे नहीं हो। अच्छा आप बताइए। यस मैम, मोदी जो हमारी वोट होगी वो मोदी के लिए होगी। आप लोग यहीं पर रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। क्या मुद्दा आपका रहेगा इस बार वोट करने में? वोट करने का जो देश के लिए अच्छा काम करेगा वो वही मुद्दा रहेगा हमारा। यहाँ पर स्कूल पढ़ाई लिखाई सब की व्यवस्था ठीक है? जो भी अच्छा काम करेगा देश का उसको हम तो उसको देंगे वोट। आप लोग पढ़ रहे हैं? जी। क्या पढ़ रहे हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। उसके बाद क्या प्लान? उसके बाद देखेंगे टीचिंग लाइन में। टीचिंग में जाना? आपको लगता है नौकरी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, जब से बीजेपी आई है आपको ऐसा लगने लगा है। तो आप किस चीज की खेती करते हैं? गन्ने की। गन्ना किसानों को तो सुनते हैं बहुत प्रॉब्लम है सरकार से। बहुत कोई जो हमारे जो गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। हाँ। और जो हमारे बच्चों की जो पढ़ाई नहीं हो पा रही। हाँ। बड़ा दुखी है यहाँ का किसान। यही मुद्दा है कि इस साल ये दिक्कत आ रही है कि जो सरकारी मिले हैं उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा किसानों को टाइम पे। जो प्राइवेट मिले हैं उनका भुगतान सही चल रहा है, सरकारी में लगभग पेमेंट नहीं चल रहा है। गंगा जी में ये जल स्तर में कुछ बदलाव हुआ है या वैसे ही वैसे है? कुछ नहीं हुआ, पहले से जितना था उतना ही है। बरसात होती है, बरसात में पानी आता है, उससे जल स्तर बढ़ जाता है। हमारी सरकारी योजना लंबी था इसलिए जल की मांग कर रखी, लिखावड़ी चल रही, फिर भी प्रयास है कि चल जाएगा, काम आ जाएगा जल। क्योंकि जो प्रसिद्ध गंगा घाट होता है ना वो नदी के किनारे किनारे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक स्थल है शुक्रताल, और तीर्थ के तौर पर बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपको लग रहा है कि उस हिसाब से नहीं विकास हो पाया? जिस तरीके की योजनाएं यहाँ डिक्लेयर होती हैं उस तरीके का काम नहीं होता, विकास के नाम पे एक छलावा रहता है। गंगा को अगर साफ करना है तो सफाई न करके गंगा को बंद गंदा करना बंद कर दें तो गंगा स्वयं ही अपने को साफ कर लेगी। चुनाव के अंदर जो भी पार्टी देश हित को प्रथम स्थान देगा, जाति धर्म समाज ग्रुप इनसे उठ करके अगर राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा तो सब सुरक्षित रहेंगे। अगर देश खुशहाल होगा तो लोग खुशहाल होंगे। अगर लोगों का विकास होगा, अगर लोगों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। देश का विकास लोगों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। हम तो उस देश के वासी है जहाँ गंगा जमुना बहती है। हम उस देश के गंगा जमुना दुआब का इलाका ही दुआबा का है। यहाँ के यानी दुआबा की बिरयानी बड़ी मशहूर है, हर चीज मशहूर है। हम यही चाहते हैं